जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की अफवाह के बाद वार्ड में भगदड़ की स्थिति बन गई। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कलेक्टर अक्षय कुमार सहित स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। जानकारी के अनुसार जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की बात कही जा रही है उससे महिला गार्ड और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते उसका फ्लो मीटर फट गया था और इस घटना के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पीआईसीयू में एक माह के मासूम को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद बच्चे को ग्वालियर रेफर किए जाने के चलते 108 एम्बुलेंस बच्चे को लेने आई थी। इसके बाद एम्बुलेंस के चालक सहित महिला गार्ड ममता ने ऑक्सीजन सिलेंडर से छेड़छाड़ की, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का फ्लो मीटर फट गया, जिससे पीआईसीयू में धमाके की आवाज़ आई। धमाके की आवाज़ के साथ वार्ड में भगदड़ जो है स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते पीआईसीयू में मौजूद स्टाफ सहित वहां भर्ती बच्चे और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। घटना के बाद अस्पताल के सिविल सर्जन आर के चौधरी ने बताया कि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है, सिर्फ सिलेंडर का फ्लो मीटर ही फटा है। और अगर आपने अचानक से उसको ज्यादा खोल दिया तो प्लास्टिक का ढक्कन है वो निकल गया, प्रेशर आ गया, ये इशू था। और यही होता है ना, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, और जब जिम्मेदार लोग में से कोई बहुत जगह फोन कर देता है तो उसका वो क्रिएट हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है। सर उसमें घायल हुए सर? नहीं, कोई ज्यादा घायल नहीं। तो बच्चे को 2 दिन पहले भर्ती किया गया था यहाँ पे, उससे बच्चे की कंडीशन खराब थी, बहुत सीवियर एयर आई था, सेफ्टी सीमा भी था, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। 2 दिन से उसको मैनेज किया जा रहा था, उसको अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे, सुबह तक ठीक भी था, लेकिन शाम को अचानक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत ज्यादा रिट्रैक्शन आ रहे थे, ऑक्सीजन की भी हो रही थी उसको, तो उसको पूरा ऑक्सीजन लगाया था, इंजेक्शन लगाए थे, उसको रेफर करने की हमने कोशिश की थी, रेफर वर्क किया भी था उसको, लेकिन रेफर नहीं हो पाया था।